हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, अगर आपके पास बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन वाला व्हीकल है तो उसका अगर 2 साल कंप्लीट हो चुका है तो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। आज से ठीक 2.4 ईयर्स के पहले लॉन्च हुआ था भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन वाला नंबर प्लेट का सिस्टम, जो कि आप लोग पैन इंडिया गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, री रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह होते हैं। अभी तक अगर बीएच सीरीज क्या है आपको पता नहीं है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियोस भी है इसके रिगार्डिंग, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो हाउ टू गेट अ बीएच सीरीज नंबर, मैंने बहुत लोगों को पर्सनली हेल्प किया है, बहुत सारे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये वीडियो बनने के बाद। तो बेसिकली बीएच सीरीज एक रजिस्ट्रेशन मार्क है जो हम जब भी नया गाड़ी परचेस करते हैं उस टाइम पे, जैसे स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है ओडी डीएल केएल जैसे करके होता है, वैसे बीएच सीरीज भी एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है नए गाड़ियों के लिए। अभी फिलहाल तो नए गाड़ी और पुराने गाड़ी दोनों के लिए अवेलेबल हो चुका है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, जिनका ट्रांसफर होता रहता है, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, बैंक एम्प्लॉयज है या फिर आईटी एम्प्लॉयज है, जिनका ऑफिस इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स में ज़्यादा जगह में है, तो उन लोगों के लिए आरटीओ वाला हैसल थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये बीएच सीरीज इंट्रोड्यूस किया गया था। 21 अगस्त के टाइम पे लॉन्च किया गया था। 2021 नवंबर 6 में हमने लिया था उड़ीसा का फर्स्ट बीएच सीरीज टू व्हीलर, अपने आप में ही एक रिकॉर्ड जैसा चीज़ है। सो आई फील वेरी प्रिविलेज अबाउट इट। सो अभी उसका 2 साल कंप्लीट होने वाला है थोड़े दिनों में। मेरा रोड टैक्स खत्म हो रहा है और 4-5 दिनों में खत्म हो रहा है, तो उससे पहले पहले मैं करवा लूँगा। द प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, अभी सब कुछ परिवहन के वेबसाइट पर ही होगा। सो इस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप एवरी 2 ईयर्स में हम लोगों को 7 किस्तों पे ये रोड टैक्स पेमेंट करना है। सो अगर आप लोग नहीं करते हो तो पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ पेनल्टी लेके आप लोग को चलना पड़ेगा। सो पेनल्टी क्यों ही देना है, अभी प्रोसेस क्या है मैं कल ही देख रहा था, अभी प्रोसेस कैसा है आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे करके। अगर आप बीएच सीरीज ओन करते हो, अगर आपने 2021 में गाड़ी परचेस किया था और गाड़ी का रिन्यूअल करने का कोशिश कर रहे हो, सो यू आर इन द राइट प्लेस। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। अगर आप मतलब अभी बीएच सीरीज परचेस कर रहे हो, बीएच सीरीज से गाड़ियां खरीद रहे हो, सो आपके दिमाग में एक रहता होगा कि जो फॉर्म 60 हम लोग डिपॉजिट किए थे गाड़ी खरीदने के टाइम पे, क्या हमें एवरी 2 ईयर्स में वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, बिकॉज मैंने देखा कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये रूमर फैला रहे थे कि बीएच सीरीज अच्छा नहीं है। सो बीएच सीरीज इज द बेस्ट थिंग इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, इफ आप लोग अगर देश के अंदर कहीं पे मूवमेंट आपका रहता है तो बीएच सीरीज आपको लेना चाहिए। ये पूरा हैसल फ्री है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बस पहला जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों को एक बार वैलिडेट कराना रहता है। स्टेट नंबर पे गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी खरीदने के टाइम पे ही आप लोगों को 15 साल के लिए आप लोगों को रोड टैक्स देना पड़ता है, जो कि बीएच सीरीज जो लोग खरीदते हैं उनको 2 साल करके देना पड़ता है। एवरी 2 ईयर्स दे विल पे द रोड टैक्स फॉर अपकमिंग 7 ईयर्स, तो 14 ईयर्स के बाद जाके री रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम लोगों का जैसा है, अभी मेरा गाड़ी का 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है नवंबर 5 को, मैंने क्योंकि गाड़ी लिया था नवंबर 6 को। सो 6th of November वॉज अ ग्रेट डे ऑब्वियसली, तो उसके पहले पहले मेरे को करवाना है। अभी नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा बहुत सारा काम है, सो इसलिए मैं आज तो संडे है, आज मैं वो पेमेंट कर रहा था। मैं आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, परचेस करने के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनको अपने ऑफिस से एक फॉर्म 60 को लेके आरटीओ में सबमिट करना पड़ता है, उसको वैलिडेट कराने के बाद आपको बीएच नंबर एलोकेट किया जाता है। अगर आपके दिमाग में यह रहता होगा कि एवरी 2 ईयर्स यू हैव टू सबमिट द फॉर्म 60 गोइंग टू द आरटीओ एंड ऑल, सो वो प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस एकदम ऑनलाइन है। आप लोग ने एक बार गाड़ी परचेस किया, आपको बीएच सीरीज मार्क एलोकेट हुआ, तो आप लोग नेक्स्ट 14 इयर्स तक एवरी 2 इयर्स करके 7 टाइम्स आप लोगों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करना है, एम परिवहन जो है, परिवहन वेबसाइट parivahan.gov.in, तो वो वेबसाइट पे जाके आप लोगों को पेमेंट करना है। तो वो क्या करना है, प्रोसेस कैसा है, आप लोग कहाँ से सारे डिटेल्स भरेंगे और क्या पेमेंट का प्रोसीजर रहेगा,
कितना पैसा कटता है, क्या होता है, सब डिटेल्स मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। वर्बल में ये चीजें नहीं बता जा सकती, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को डिटेल प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले आप लोग लॉगिन करिए parivahan.gov.in के साइट पे। ये साइट पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपना स्टेट, फिर ये पेज पे आके अपना RTO सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कटक RTO। ये चेकबॉक्स टिक करके प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड, फिर यहाँ पे योर टैक्स, यहाँ हम लोग को डालना पड़ेगा अपना चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट्स और क्लिक ऑन सबमिट। यहाँ हमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि रिसीप्ट डेट, अमाउंट वगैरह सबका डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ हमें सिलेक्ट करना है टैक्स का मोड क्या है। हम लोग का लमसम 2 ईयर्स का टैक्स मोड रहता है, तो वो सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। क्लिक ऑन पेमेंट, यहाँ पे आपका पेमेंट का डिटेल आ जाएगा, टैक्स वैलिड फ्रॉम एंड अप टू, यहाँ पे टैक्स अमाउंट, देन कंफर्म पेमेंट। यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कीजिए, अभी के लिए फ़िलहाल ये IFMS है और इसको कंटिन्यू कीजिए। ये आपको लेके जाएगी ओडिशा ट्रेजरी वाला वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोग अपना ये जो चालान है, जो अमाउंट आपका बनता है पर 2 साल का जो अमाउंट बनता है, वो आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। नीचे जाके आप लोग पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं UPI से पेमेंट कर रहा था, अभी बिल डेस्क इंडियन बैंक का बिल डेस्क इनका सपोर्टेड UPI ऐप है। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का रिमार्क्स डाल के आप लोग ये जो एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है वहाँ पे वो चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए, और जो कैप्चा है वो कैप्चा फिलअप करके फिर प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। ओके, सो गाइस ये पेज के बाद हम लोग को फाइनली मिलेगा अपना जो पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट किए होंगे। मैं UPI सेलेक्ट किया हूँ, तो मेरे को विम UPI और एक QR कोड का ऑप्शन आ रहा है। सो मैं सेलेक्ट करूँगा अभी UPI, क्योंकि मुझे फ़ोनपे यूज़ करके पेमेंट करना है। आप लोग गूगल पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस अभी हमारा पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, मेरे फ़ोन पे से मैंने पेमेंट किया है। अभी ये पेज रीलोड होगा शायद, देखते हैं। यस, पेमेंट इज सक्सेसफुल। अभी ये मेरा चालान भी जनरेट हो गया। अभी यहाँ पे 30 सेकंड्स के लिए वेट करना है। आप चाहो तो इसको भी प्रिंट करके रख सकते हो, मैंने एक प्रिंट भी निकाल लिया। सो ये हम लोग को रिडायरेक्ट कर चुका है अभी जो odishatreasury.gov.in, यहाँ से हम लोग जो चालान अभी भरा उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जस्ट फॉर सम व्यूज, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि फॉर्म 60 बार बार लगेगा, या फिर उसका कॉस्ट फिर से एडिशनल लगेगा, या फिर कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। ये सब रूमर्स से आप लोग को बच के रहना चाहिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अगर अपना कुछ गैजेटेड नोटिफिकेशन रिलीज करती है, तब भी जाके आप लोगों को वो नोटिफिकेशन पे भी लिंक करना चाहिए। नहीं तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो व्यूज कलेक्ट करने के लिए मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो ये हमारा काम नहीं है। हम इसको हमेशा से अपोज करते आए हैं कि इंफॉर्मेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रू, बिकॉज कोई अपना एक टाइम इन्वेस्ट करके हमें देख रहा है। ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप लोग पेमेंट करने से पहले इसको देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगी आगे चल के। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया वो फॉलो कीजिए, और पेमेंट अपना गाड़ी का पेमेंट कीजिए। यहाँ पे कुछ पेमेंट वगैरह होल्ड अगर होता है तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है उससे पहले पहले, मतलब उससे 1 वीक पहले आप लोग पेमेंट कीजिए। जैसे मैं अभी पेमेंट जस्ट अभी 7 दिन पहले पेमेंट कर रहा हूँ। इस ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके उतना सर्कुलेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
यहाँ तक अगर आप वीडियो को आप लोगों ने देखा है तो वीडियो आप लोग को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।